7,500 करोड़ का तकरीबन लोन अदानी पे कर चुका है, लेकिन क्या ये लोन पेमेंट और अदानी का जो मोटिव है कि इस महीने के एंड में उसने अपनी पूरी एंटरप्राइज को लोन फ्री करना है, क्या ये उसके वापस राइज का सबब बन सकता है? अस्सलाम वालेकुम, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गौतम अदानी के राइज एंड फॉल की, और फिर क्या वो वापस अब जो अभी उसने डेट पेमेंट का एक मोटिव बनाया है, क्या वो इसके बाद वापस उस राइज पे जा सकता है या नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर अदानी करता क्या है। तो अदानी का जो बिज़नेस है बेसिकली वो वाटर मैनेजमेंट हो गया, सी पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। तो बेसिकली बिज़नेस काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स्ड है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या ये बिज़नेस उतना ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा था अदानी के लिए, जिसके जिसकी बिना पे अदानी दुनिया का दूसरा बेहतरीन आदमी बन गया था और एशिया का और इंडिया का और एशिया का रिचेस्ट आदमी बन गया था। इसकी नेटवर्थ जो थी वो 150 बिलियन के अराउंड हो गई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो पाकिस्तान का आधा GDP तकरीबन सिर्फ एक इंडिया के बिजनेसमैन के पास था। तो इतना इतनी ज़्यादा वर्थ हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अदानी का शेयर प्राइस कैसे मूव हुआ। 2002 में अदानी का जो शेयर प्राइस था वो 200 रुपीज़ पे चल रहा था, और कोरोना के बाद जब रिकवरी आ रही थी तो जो शेयर प्राइस था वो अराउंड 150 से 200 की प्राइस में ही चल रहा था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद लाइक 2021 शुरू हुआ, और जब इकॉनमीज़ रिकवर होना शुरू हुई हैं, जैसे इंडिया का जो GDP था वो प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 11% की ग्रोथ होगी, पूरी दुनिया में ऑब्वियसली रिकवरीज आ रही थी, तो अदानी का जो शेयर था वो 200 रुपये से उठ के 2-3 सालों में 4,000 पे पहुंच गया। लेकिन उसके बाद अदानी के ग्रुप ने और अदानी के जो रिलेटिव्स हैं, जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने उसको मेंशन भी किया हुआ है, उनके नेम्स वगैरह और जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनका भी सब कुछ जिक्र किया हुआ है, तो उसका ये एलिगेशन था कि इन्होंने इस शेयर प्राइस को इन्फ्लेट किया, यानी शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गए हैं, और फिर उसके बाद उस शेयर प्राइस की बेस पे इन्होंने दुनिया के बैंकों से और इवन इंडिया का जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC जो उनकी इंश्योरेंस है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में अगर उसको देखा जाए उसके एसेट्स के हिसाब से, तो उसके ऊपर इन्होंने उसकी बेस पे लोन उठाना शुरू किए। और राइट नाउ अदानी के पास जो लोन्स हैं वो $41 बिलियन के लोन्स हैं, और अदानी ने ये पे करने हैं इंडियन गवर्नमेंट को, रशियन बैंक्स को, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से उसने जिस जिस बैंक से लोन उठाए हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और सिर्फ अदानी ने अभी पे किया $900 मिलियन, और उसकी बेस पे भी अदानी इसको प्रोमोट कर रहा है, और इसकी बेस पे भी आई गेस और ज़्यादा कैश जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि लंदन में एक रोड शो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है जिसमें मोर कैश इन्वेस्टर से निकलवाया जा सके। तो क्या अदानी का राइज वापस आ सकता है? अगर हम शेयर प्राइस के उसमें देखें तो 4,000 तक वो शेयर प्राइस चली गई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, शेयर प्राइस गिर के वापस 1,000 से 1,300 रुपये इंडियन रुपये में आ गया, विच मीन्स कि तकरीबन 3/4 का लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद जब से अदानी ने अपना ये नया जो मोटिव शो किया कि मैं अपना लॉस सारा पे कर दूंगा, सॉरी लॉस कह रहा हूँ कि डेट पेमेंट सारी पे कर दूंगा, और सबसे पहले उसने आगाज़ ऐसे किया कि जो $900 मिलियन उसने पे बैक किया है, ये उसने वो लोन उठाया था जिससे उसने अपने ही शेयर बाय बैक किए थे, और उसी शेयर को उसने वापस $900 मिलियन जो उसकी कंपनी में, मतलब उसकी कंपनी ने पे ऑफ कर दिया है। लेकिन जो टोटल नंबर है वो $41 बिलियन का है, डेट का, ओनली डेट का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी इतनी ड्रॉप हो चुकी है, तो और अभी ऑब्वियसली डेट किसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन से नहीं पे होता कि शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तो उसका डेट पे ऑफ हो जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं होगा। डेट जो होगा वो ओनली पे ऑफ होगा जब कंपनी या उसका एंटरप्राइज प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो क्या अदानी इतना प्रॉफिट कमा रहा है ये अब आगे जाके पता लगेगा, और ये और $41 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करने में ये बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे नज़दीक 10 या 15 साल उसको लग जाएंगे, जितना मर्ज़ी उसका बिज़नेस फैला हुआ हो, जितना मर्ज़ी उसका बिज़नेस बड़ा हो, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए टाइम बहुत रिक्वायर्ड होता है, और अदानी के पास लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है। और उसके बाद ऑब्वियसली जब अदानी के ऊपर ये एलिगेशंस लगी थी तो अदानी ने उस एलिगेशन का जो जवाब दिया था वो प्रॉपर एविडेंस के साथ नहीं दिया था, सिर्फ उन्होंने उन मैटर्स का जवाब दिया जो कोर्ट में अभी भी मतलब लटके हुए हैं, जैसे अदालती निज़ाम में लटक जाते हैं केसेस, तो वो जो लटके हुए हैं तो वो बस ये कह दिया था कि जिस केस की, जिस एलिगेशन की वो बात कर रहा है वो के वो तो ऑलरेडी कोर्ट में है और हम उसके ऊपर कुछ कॉमेंट नहीं कर सकते, तो वो अभी उसका हम कोई डिसीजन नहीं है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं बता सकते कि वो क्या है। तो मेरे ख्याल से, मेरे नज़दीक ये बहुत मुश्किल होगा अदानी से का इस क्राइसिस से निकलना, और ये जो
अभी रीसेंट शेयर प्राइस है जैसे 1000 से उठ के वापस 2000 पे हो गई है। जब से अदानी की ये खबर आई है कि उसने लोन पेमेंट का प्लान बनाया और एक लोन पेमेंट उसने कर भी दिया तो 900 मिलियन डॉलर्स की, तो उसके बाद से शेयर प्राइस इन्फ्लेट हो गई फ्रॉम 1000 टू 2000 हो गई है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा क्योंकि अदानी के पास 41 बिलियन डॉलर इवन नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी पे करने के प्रॉफिट्स नहीं है इस कंपनी के पास। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो वो पे कैसे करेगी? जब प्रॉफिट्स नहीं है तो पैसे कहाँ से लेके आएगी ऑब्वियसली, और अगर अपनी एसेट बेचेगी तो फिर एसेट बेचेगी तो बिज़नेस कैसे होगा? तो ऑब्वियसली कोई इस वक्त बहुत बुरा सर्कल है जो कि जिसके अंदर अदानी ग्रुप अब तक फंस चुका है, तो इसको हमने देखना होगा कि ये आगे कैसे चलता है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि ये अदानी ग्रुप इस क्राइसिस से बहुत मुश्किल है कि निकल सके, अनलेस के 41 बिलियन डॉलर या 50 बिलियन डॉलर इतना प्रॉफिट नेक्स्ट 10 ईयर्स में अदानी ग्रुप कमा सके। लेकिन जो बिजनेसेस हैं, जो भी डेवलपमेंट है, और इवन इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात की है कि इंडिया इज़ वेरी क्लोज टू हिंदू रेट। हिंदू रेट क्या होता है कि जब ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2 से 4% पे आ जाए, अगर इकॉनमी की ग्रोथ सिर्फ 2 से 4% पे आ जाए तो ये आजकल की इकॉनमी के हिसाब से बहुत बुरा है, क्योंकि आपके नेबर्स की इकॉनमी 7 या 8% से ग्रो कर रही है। इवन इंडिया का नेबर चाइना जिसकी इकॉनमी एटलीस्ट 7% से या 6% से ग्रो करती है। पाकिस्तान भी चलो ठीक है वो तो उसी पे रहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान वापस ऑन ट्रैक आता है तो पाकिस्तान की भी इकॉनमी 5 to 6-7% तक ग्रो कर सकती है एनुअली। लेकिन इंडिया की इकॉनमी अगर 2 से 4% के दरमियान ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली उसका जो उस मुल्क का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो वो भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा उतना, तो वो फिर लोन अपना कैसे पे करेगा? तो यही मेरा क्वेश्चन है, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अदानी के लिए इस क्राइसिस से निकलना, अनलेस के कोई बहुत बड़ा मिरेकल और इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूम पे चले जाए और उसे अदानी को एटलीस्ट अपने बिज़नेस इन्वायरमेंट में कोई कंपटीशन ना देखने को मिले। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं इंशाल्लाह लाता रहूँगा। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। अल्लाह हाफ़िज़।